ओम परमात्मने नमः। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग वेद से ब्रह्मचर्य के विषय में जानने वाले हैं। हम पठन पाठन कर रहे थे वेद का, तो हमें एक श्लोक देखने को मिला। ये श्लोक समझिए आपका 246 पेज पर है ऋग्वेद में। ये श्लोक में ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ बताया गया है, वो हम आपके साथ अभी साझा कर रहे हैं और आप जान सकेंगे कि वेद हमारा ब्रह्मचर्य के विषय में क्या कह रहे हैं, ये समझने का प्रयास करिए। तो आइए हम लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं। पुनरपि सैवार्थ उपदिश्यते, फिर भी अगले मंत्र में उसी का अर्थ प्रकाशन किया गया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष्मा और उपमा अलंकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता आदि से आयु बढ़ाकर धर्म मार्ग में विचरते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर अनुग्रहित कर आनंद युक्त करता है। जैसे प्राण और सूर्य अपने बल और तेज से ऊंचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के मार्ग से युक्त करके उचित समय पर दिन, उचित समय पर रात आदि सब काल विभागों को अच्छे प्रकार से सिद्ध करते हैं, वैसे ही अपने आत्मा शरीर और सेना के बल से न्यायाधीश संयुक्त धर्मयुक्त छोटे मध्यना और बड़े कर्मों के प्रचार से अधर्मयुक्त को छुड़ा उत्तमता की ओर और नीच मनुष्य का विभाग सिया सदा किया करें। समझिए कि यहाँ पर देखिए ब्रह्मचर्य के विषय में हमारा वेद क्या कह रहे हैं। वेद हमारा कह रहा है कि ब्रह्मचर्य पालन और जितेंद्रियता आदि से अपने आयु को बढ़ाकर धर्म मार्ग में चलने वाले जो हैं, उन्हीं को जगदीश्वर अनुग्रहित करते हैं, आनंद युक्त करते हैं, वही परमात्मा को समझ लीजिए प्राप्त कर सकते हैं। अनुग्रहित करने का मतलब क्या हुआ वहाँ पर आप समझ रहे हैं, और आनंद युक्त करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, ये समझने का प्रयास करिए मेरे प्रिय बंधुओं। ब्रह्मचर्य के विषय में वेद अपना, और आगे भी अगर कभी भी हमें ब्रह्मचर्य के विषय से श्लोक मिलता है तो आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। ये आपको समझ लीजिए कि श्लोक में जो ज्ञान बताया गया, ये समझिए वेद है, और वेद का एक भी श्लोक आज तक पूरी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक बड़े से बड़ा गलत सिद्ध नहीं कर सका है। और पूरे वेद में 20,300 कितने दोहे हैं, ये समझने का प्रयास करिए। मंत्र हैं संस्कृत से लेके उन्हीं का हिंदी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये वीडियो के विषय में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।